और कबर का बहरहाल बरसी भी है और बहुत सारे लोगों के साले सवाब की मजलिस भी है। कबर का हाल कौन जाने, मुर्दा हमें क्या पता कबर में क्या होता है। तो हम अगर इंसान का यकीन खुदा पर स्ट्रांग रहेगा तो उसका छोटा अमल भी उसकी कबर को रोशन कर देता। लेकिन अगर उसका यकीन जयीफ है और वो बहुत नेकियां भी करता रहे लेकिन शायद दुनिया को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, तो उसकी कबर रोशन शायद ना हो। एक बिस्मिल्लाह भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके अजदाद की कबर से अजाब खत्म हो जाता है। अगर एक बच्चे को आप तरबियत दें तो उसके, हजरत ईसा नबी खुदा गुजर रहे हैं, देखा कबर में अजाब है, काफी अरसे के बाद दोबारा गुजरे तो देखा कबर पे अजाब नहीं, कहा परवरदिगार क्या हुआ किसका अजाब, कहा इसका एक बेटा था, उसने एक जगह पर पुल टूटा हुआ था, लोग गुजरते थे, उसने सही कर दिया, लोग गुजरना शुरू हो गए, उस नेकी की वजह से हमने इसकी कबर से अजाब। यानी एक कोई काम आप ऐसा करें कि उसका सवाब उसको दे। हमें नहीं पता जाने मोहतरम वाकयन कबर का मामला, यहां से जाने का मामला, इसलिए आप देखें कि रिवायात हजरत सैयदा जो परेशान है, निगरान है, क्यों है, वसल हमें मुतवज्जा कराना चाहती हैं आखिरत की तरफ, कयामत की तरफ। एक शख्स ने अपनी जौजा को हजरत सैयदा की खिदमत में, बहरहाल ये मैं हदीस के बाद आपकी सहमतों को तमाम करूंगा, बहरहाल वक्त भी जो है वो, और शब शहादत भी है, यकीनन सुबह से रहमत इलाही है, अलबत्ता बारिश रहमत इलाही है, लेकिन बहरहाल जहाँ बहुत ज़्यादा हो उनको पता चलता है कि रहमत कैसे नाजिल होती है। लेकिन ये है कि बहरहाल जहाँ रहता है आदमी उसकी इंसान यूज टू भी हो जाता है। शख्स ने अपनी जौजा को हजरत सैयदा की खिदमत में भेजा और कहा कि उनको बताएं कि जो हम अमल करते हैं, हम आपके, ये मेरे अमल हैं हमारे, क्या हम आपके शिया हैं या नहीं। वो आए खातून, बीबी ने कहा कि जो हमने कहा है उस पर अमल करो, करता हो, और जिस चीज से हमने मना किया है उसे छोड़ दे तो वो हमारा शिया है। अब जब ये उसे पहुंचा तो उसने देखा भी हमारा अमल तो ऐसा नहीं है कि हर चीज तो वो मैं अमल नहीं करता और हर चीज जो आपने बोला छोड़ता, तो गिरिया करने लग गया, रोने लग गया और कहा, दोबारा अपनी रोजा को भेजा, कहा कि अगर ऐसा अमल ना हो जैसा आपने कहा है तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो जब आया तो बीबी ने कहा कि जो हमारा मानने वाला हो मगर उसका अमल वैसा ना हो कि जैसा हम बहुत चाहते हैं, तो पहले उसे उसकी जिंदगी में अजाब आएगा, उसकी जिंदगी में उसके ऊपर इम्तिहान आएगा कि जो उसने गलतियां की हैं वो साफ हो सके। और अगर उसकी जिंदगी के अंदर जो उसके ऊपर परेशानी, मुश्किलात, उसके गुनाहों को ना धो पाए तो फिर कब्र में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आलम बरज़ख की मुश्किलात उसके गुनाहों को ना धो पाए तो वो कयामत में जहन्नुम की आग में कुछ अरसे तक जलेगा। अब ये सुनना तो बड़ा आसान है, एक दुनिया में एक सुई चुभती है कितनी तकलीफ होती है, पांव में छोटा सा कांटा चुभ जाए इंसान बिलक उठता है। दुनिया में, दुनिया की तकलीफ, अजाब कबर एक चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी। बहुत बड़े आरिफ थे इस्फहान के, उन्होंने वजीफा लिया अपने उस्ताद से कि मैं आलम बरज़ख को देखूं। इस्फहान का बहुत मशहूर कब्रिस्तान है तख्ते फौलाद, वहां गए, एक कमरे में जाकर वजीफा कर रहे थे, सख्त सर्दी थी, एक कबर को लेकर आए, मुर्दे को लेकर आए, रख दिया कि सुबह दफनाएंगे, एक शख्स को बिठा दिया कुरान पढ़ता रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि दो मलाइका आग के गोले लेकर उसको मारने आए, कह रहे उसने एक मारा, उसने ऐसी चीख मारी कि मुझे लगा पूरी दुनिया हिल गई है। लेकिन जो शख्स कुरान पढ़ रहा था उसको नजर नहीं आ रहा था, मुझे नजर आ रहा था, और कह रहा मेरे ऊपर इतना लर्जा बदन के ऊपर तारी हुआ कि मैं उसको चीख रहा हूं कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मगर उसकी समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने आप को घसीटा और अपने आप को बाहर निकाल निकाल कर बड़ी मुश्किल से पहुंचा और हॉस्पिटल में कई दिन रहा। मेरे उस्ताद मेरे पास आए और कहा कि तुम एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर पाए आलम बर्दाश्त, कहना आसान है, और खुदा की बारगाह में पनाह मांग, उनकी बारगाह में अहले बैत का वास्ता दे, नहीं है मेरे अमल अच्छे, अगर वो कर्म करेंगे तो मैं इसलिए बेहतरीन मौत अजदान मोहतरम शहादत
इंसान शहादत की तमन्ना कर, अल्लाह उमर दुखना शहादत।